हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी टीएटी के इस पार्ट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम लोग एमपी के तमाम टॉपिक्स, या पूरी आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनके तमाम टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में हम लोग देखते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आपका इजिली आपको रिविजन हो जाए, आसानी से आप उनको रिवाइज कर पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्तूपाज ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में। अब स्तूप होता क्या है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। जो भी बुद्धिस्ट साइट्स आपको होती है, या किसी बुद्धिस्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, स्पेशली कोई संत हैं या बुद्ध खुद हो गए, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उनको जलाया जाता है, और जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों को स्तूप के अंदर आपको रखा जाता है। कई बार स्तूप के अंदर अस्थियों की जगह उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जैसे उनकी छड़ी हो गई, उनका मैट्रेस हो गया, उनका कमंडल हो गया, ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो भी उसके अंदर यहाँ पर आपको रखी जाती है। तो जनरली उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसके अंदर आपको रखी जाती है, तो उसके ऊपर एक डोम बनाया जाता है जिसको स्तूप कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो इस लेक्चर में हम थोड़ा शॉर्ट के अंदर मध्य प्रदेश के तमाम स्तूपों के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश का पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है कंचन वन महाविहार। वैसे अगर देखा जाए ना, तो विहार जो होता है, जहां पर बुद्धिस्ट संत आराम करते हैं, जहां पर वो स्टे करते हैं, उसको विहार कहा जाता है। लेकिन उज्जैन के अंदर कंचन वन महाविहार है, लोकेटेड है, और ये एक समय पे बिहार के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूपा भी हुआ करता था। अब स्तूपा किसका है, तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको है कि यहाँ पर इकलौती ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर भगवान बुद्ध की किसी चीज के ऊपर स्तूप बना है। तो कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि जो महाजनपद का पीरियड था, तो महाजनपद के पीरियड में उज्जैन के राजा हुआ करते थे चंद्र प्रद्योता, और चंद्र प्रद्योता ही वॉज कंटेम्प्री ऑफ महात्मा बुद्ध। और जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई, तो उस समय पे चंद्र प्रद्योता और उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था गोपाल माता, तो ये दोनों जो पति पत्नी थे, ये भगवान बुद्ध की आराधना करते थे, भगवान बुद्ध के उपासक हुआ करते थे। और उसके बाद जब बुद्ध की डेथ हुई, तो बुद्ध की अस्थियों को 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसके ऊपर 8 स्तूपाज आपको बने। और उसके अलावा बुद्ध की जितनी भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जितनी व्यक्तिगत उनकी चीजें, जैसे कमंडल हो गया, उनके मैट्रेस वगैरह हो गई, इन चीजों को बाकी जितने भी उस समय स्टेट थे उन स्टेट्स को यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उसी दौरान जब उज्जैन स्टेट था, या उज्जैन उस समय उज्जैन या अवंतिका जो था, तो अवंतिका या उज्जैन को कंचन मन उनको एक तरीके से यहाँ पर बुद्ध की आसंदी या बुद्ध का जो मैट्रेस है वो मैट्रेस मिला, और उस मैट्रेस के ऊपर आपके प्रद्योता की जो वाइफ है गोपाल माता, उन्होंने मंदिर का, उन्होंने स्तूपा का निर्माण किया। उसके कई सदियों या साल आपको बीत गए। उसके बाद जब फिर से आपके अशोक का जो पीरियड आपको आता है, तो अशोक के टाइम पर उज्जैन के अंदर एक और बौद्ध स्तूप बनाया जाता है, जिसको कंचन वन महाविहार के नाम से, या कंचन इसको सॉरी उसको वैश्य टेकरी के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अब ये वैश्य टेकरी जो नाम आया है, ये बेसिकली बनाया गया है बुद्ध की, जो आपके अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीदेवी, महादेवी, माया देवी, तमाम उनके नाम आपको मिलते हैं, बट 3 अलग अलग नाम उनके मिलते हैं। अब जो भी आपने पढ़ा हो नामों को, तो श्रीदेवी, महादेवी या माया देवी जो है, इनके द्वारा इसका निर्माण किया, जो अशोक की पत्नी थी, और वो स्पेशली उज्जैन में ही आपको रहती थी। उनके दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने भी बुद्ध धर्म की आपको दीक्षा ली थी, तो उन्होंने इस महाविहार का निर्माण किया। तो कहा जाता है कि जो पुराना कंचन वन महाविहार था, वहां पर उस मैट्रेस को फिर से निकाल के इस जो उज्जैन के अंदर, जो वहीं पर उसके कुछ पास में ही वैश्य टेकरी नाम की एक जगह है, उस वैश्य टेकरी नाम की जगह पे उसको स्थापित किया गया, और एक समय पे वो भारत के सबसे बड़े स्तूपा में से एक था। लेकिन अभी उसके हमको बहुत ही लिमिटेड रिलिक्स हैं, लिमिटेड आपके जो उसके जो अवशेष हैं वो अवशेष हमको यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अशोक की पत्नी महादेवी, श्रीदेवी या माया देवी के द्वारा वैश्य टेकरी का निर्माण किया, और वो एक वैश्य की लड़की थी, एक बोल सकते बनिया, या एक तरीके से एक बिजनेसमैन की लड़की थी, इसलिए उसको वैश्य टेकरी कहा गया। अगला मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है, वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भी अशोक के टाइम पर इसका कंस्ट्रक्शन किया, इसका निर्माण किया। एक अलग से वीडियो में सांची के ऊपर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि सांची एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है। कई सारे 3 स्तूप जो हैं, 3 स्तूपास यहाँ पर आपको बने, और सांची का अपना एक बड़ा इतिहास आपको है। तो सांची के अंदर कई सारी जो डायनेस्टीज है, चाहे वो मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, या सत्वाहन हो गए, सबके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। एक डिटेल लेक्चर सांची के ऊपर आपको जरूर होगा, 10-15 मिनट का। तो सांची के अंदर बेसिकली देखा जाए तो 3 मेन स्तूप है, बहुत सारे स्तूप है, लेकिन 3 मेन स्तूप है। उसमें जो स्तूप नंबर 1 है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूप, और इसका अलग अलग नाम अलग अलग आपको टेक्सेस में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इट कॉल्ड द वैदिक गिरी, चैत्य गिरी,
काकवन, अलग अलग नाम यहाँ पर आपको मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो अस्थियां मिलती हैं, यहाँ पर जो रेलिक्स आपको मिलते हैं, तो इसके अंदर जो अस्थियां मिलती है, अब देखो कुछ इतिहासकार आपको बोलेंगे या कई सारे आप जब सांची जाएंगे तो वहां पर भी आपको क्लेम किया जाएगा कि यहाँ पर बुद्ध की अस्थियां हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर बुद्ध की अस्थियां नहीं है। यहाँ पर जो अशोक के टाइम पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल के जो दो बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनके चेयरमैन या उनके मेंबर्स हुआ करते थे काउंसिल के, सारिपुत्र महामोदग्लयान, इन दोनों की अस्थियां जो है आपको यहाँ पर सांची के स्तूप नंबर 1 में मिलेगी, और मोस्ट प्रोबेबली स्तूप नंबर 2 में भी इन्हीं की अस्थियां आपको मिलती हैं। उसके साथ में स्तूप नंबर 3 के अंदर कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन, दूसरे आपके जो कोई दूसरे संत हुए थे उस समय पे, तो उन संतों के जो कोई रेलिक्स हैं तो वो आपको सांची के स्तूप में यहाँ पर आपको मिलते हैं। उसके अलावा जब मेजर कनिंगम ने इसका जब रिसर्च किया, तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई यहाँ पे किया उस समय पे, मेजर कनिंगम और फ्रेडरिक चार्ल्स मैसी नाम के दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने स्टडी करके बोला कि यहाँ पर बुद्ध के रेलिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े लेवल पे कई सारे विहार, एक अलग से मॉनेस्ट्री आपको मिलती है, उस मॉनेस्ट्री के अंदर कई सारे जो है वो बच्चे वहां पर आपको पढ़ते थे, तो उनकी भी तमाम जानकारियां हमको सांची से आपको मिली। सांची हम लोग डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है सांची। चलिए उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, और वो है आपका अंधेर। अब देखो सांची स्तूप इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला जो स्तूप है वो है सतधारा का स्तूप, और ये भी लोकेटेड है आपके रायसेन जिले के अंदर। इसको 1853 में मेजर कनिंघम के द्वारा आपको सर्च किया। अब देखो इसको लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि, या मेजर कनिंघम का खुद का यहाँ पे बोलना है कि इसके अंदर अशोक, उसके अंदर जो महाराजा, जो महात्मा बुद्ध थे, उनका टीथ या उनका जो दांत है, उनका दांत यहाँ पर आपको मिलता है। अब ये बड़ा मुश्किल है, या बहुत ये बहुत वियर्ड चीज है कि बुद्ध का दांत कहीं पर हो, उसको अभी तक किसी ने कब्जा नहीं किया। एक और स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ श्रीलंका की। तो जब बुद्ध की डेथ हुई, तो उनके बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उसके बाद उनका उनकी जो राख थी उसमें से दो दांत निकले थे, दो उनके टीथ आपको निकले थे, और उन दांतों को कहा जाता है कि यहाँ से श्रीलंका ले जाया गया और वहां पर उसके ऊपर एक स्तूपा आपको बनाया गया, और उस दांत के लिए श्रीलंका में कई सारे बैटल्स हुए। रीजन ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास या जिस भी राजा के पास वो दांत होगा, उसका स्टेट बड़ा खुशहाल होगा, उसके बाद धन धान्य और पैसे की कोई कमी यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो इसी लालच में कई सारे राजाओं ने अशोक के ऊपर यहाँ पर, या उस एरिया के ऊपर यहाँ पर आपको हमला किया, और उसके ऊपर हमला करके, उसके ऊपर अटैक करके उन दांतों को उन्होंने विजित किया। तो अगर ऐसा सच में यहाँ पे दांत होते तो इंडिया के ऊपर भी कई अटैक होते, आपस में राजा यहाँ पर उन चीजों के लिए आपको लड़ते। तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये खुद मेजर कनिंगम ने इसको अपने रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको दर्ज किया है। चलिए उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है अंधेर स्तूप। अब अंधेर स्तूप भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन के अंदर। यहाँ भी तकरीबन 30 से 40 स्तूपाज हैं, वो स्तूपाज हमको मिलते हैं। अगला स्तूप है मध्य प्रदेश का सोनारी स्तूप, और सोनारी स्तूप जो है ये भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन के बारे में। अब इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, ज्यादा फैक्ट चीजें नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट स्तूप है खरवई का स्तूप, और खरवई का जो स्तूप है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो तमाम जो स्तूपाज हैं ये मध्य प्रदेश के, चाहे वो खरवई हो गया, सोनारी हो गया, अंधेर हो गया, सांची हो गया, सब लोकेटेड है आपके रायसेन में। एक और स्तूप है भोजपुर स्तूप, ये भी रायसेन में ही लोकेटेड है। जो राजा, जो आपका भोजेश्वर मंदिर है, या राजा भोज के द्वारा बनाया गया जो मंदिर है, उस मंदिर से कुछ दूरी पे आपको भोजपुर स्तूप यहाँ पे मिल जाएगा, और इसका निर्माण भी अशोक के आसपास के टाइम पर आपको किया गया था। तो जितने भी तमाम स्तूपास आपको रायसेन में मिलते हैं, क्योंकि रायसेन विदिशा का जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में अशोक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि अशोक तकरीबन 11 साल तक मालवा का गवर्नर रहा, और मालवा के गवर्नर के तौर पर उसने उज्जैन, विदिशा, इस पूरे क्षेत्र के अंदर उसने भ्रमण किया था, उस एरिया के अंदर आपको रहा था। तो उसके कारण तमाम स्तूप यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है, इट इज द तुमेन स्तूप, और तुमेन स्तूप लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के अंदर। अब देखो तुमेन एक बड़ा पुराना शहर माना जाता है, और ये इसका पुराना जो नाम है, तो ओल्ड नेम इज कॉल्ड द तुम्बवन के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अब ये जो स्तूप यहाँ पे बना हुआ है तुम्बवन, तो ये एक पुराना, यू कैन से कि एक बहुत पुराना, यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, एक बहुत पुराना एक कल्चरल डेवलपमेंट या व्यापारिक केंद्र हुआ करता था तुमेन। तुमेन हो गया,
या उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, ये तमाम व्यापारिक केंद्र थे, उनमें से एक तुम्हें यहाँ पे था। तो कई सारे व्यापारी, कई सारे बुद्धिस्ट संत वहां पर आपको आते थे, क्योंकि पहले जनरली ये होता था ना कि जो बुद्धिस्ट संत थे वो हमेशा व्यापारियों के साथ चलते थे, ताकि उनकी लाइफ की, उनके जीवन की यहाँ पर आपको सुरक्षा हो सके। तो उसी दौरान तुम्हें यहाँ पर आपको डेवलप हुआ होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है वो है कसरावद स्तूप। अब कसरावद जो स्तूप है, दिस स्तूप इज लोकेटेड इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 16 ऐसे स्तूप आपको मिले हैं, और यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे 16 जो बुद्धिस्ट संत थे उनके नाम लिखे हैं, और उन्हीं संतों के नाम पे, या उन्हीं संत या बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनकी अस्थियों के ऊपर ये 16 विहार मिले हैं। स्पेशली उसके ऊपर एक अलग से वहां पर एक इंस्क्रिप्शन भी है, जो उन 16 जो यहाँ पर ये जो आपके संत थे उनके नाम उसके ऊपर आपको लिखे होंगे। अगला इम्पोर्टेंट जो स्तूप है वो है महेश्वर और नावदा टोली स्तूप। एक स्तूप महेश्वर में है और एक नावदा टोली के अंदर लोकेटेड है। नावदा टोली अगर देखा जाए तो खरगोन जिले के अंदर एक बहुत पुराना और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको साइट है, जहाँ पे कैल्कोलिथिक पीरियड या मीजोलिथिक पीरियड के तमाम जो सबूत हैं वो हमको नावदा टोली से मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर अशोक के समय के जो स्तूपास हैं उनके सबूत भी हमको, या उनके स्तूपास भी हमको देखने को मिलते हैं, जो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्तूप है वो है सारू मारू का केव, या सारू मारू के उनको गुफाएं, या सारू मारू स्तूप भी कहा जाता है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखना कि हम बात करें सारू मारू की या हम बात करें पानगुराड़िया की, दोनों एक ही बात है। तो सारू मारू की यहाँ पे कई सारी केव्स बनी है, तो उन केव्स के अंदर माना जाता है कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट जो विहार है, बुद्धिस्ट विहार हुआ करता था, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो यहाँ पे रहा करते थे, और उसको सारू मारू केव कहा जाता है। अब जो नाम है सारू मारू, तो ये सारिपुत्र और महामोदग्लयम, तो उनके नाम से ये नाम हुआ सारू मारू। हो सकता है उनको उस समय शॉर्ट के अंदर या उनको प्यार से सारू मारू कहा जाता होगा, तो ये नाम वहां पर मेंशन है कि द नेम इज सारू मारू, क्योंकि अशोक के टाइम के तमाम जो इंस्क्रिप्शन है उनको हम रीड कर पाए आज तक। उसके बाद जो पानगुराड़िया है, तो पानगुराड़िया इज अ प्लेस जहां पर ये लोकेटेड है। शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा सभा क्षेत्र है बुधनी, उसी के अंतर्गत यहाँ पर आपको आता है। तो सारू मारू जो केव है, साथ में इट इज लोकेटेड इन द पानगुराड़ी। अब वहां पे कुछ 15-16 अलग अलग स्तूप बने हैं, जिनमें से 3 स्तूप अभी वहां पर आपको सर्वाइवल कंडीशन में है। तो ये सारू मारू हुआ सीहोर में है। अगला स्तूप हुआ उसका नाम है देउर कोठार का स्तूप, और ये देउर कोठार लोकेटेड स्तूप लोकेटेड है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर। यहाँ पर अशोक ने अपना एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन या आपका एक स्तूप यहाँ पे बनवाया। देखो ऐसा कोई सबूत तो हमको नहीं मिलता कि अशोक कभी रीवा के एरिया में आपको गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो शिष्य हैं या उनके बाकी जो दूसरे दरबारी लोग हैं उन्होंने, हो सकता है कि इस एरिया के अंदर किसी स्तूप का निर्माण, क्योंकि ये सब अशोक के टाइम के हैं, ये नहीं बोल सकते कि अशोक ने बनवाया है। जो सांची का स्तूप है उसको हम जरूर क्लेम करते हैं कि अशोक ने बनवाया, अशोक ने खुद ने बनवाया है या उसकी पत्नी ने बनवाया है, बट ये अशोक के समय पे बने। तो रीवा के अंदर आपको लोकेटेड है देउर कोठार का स्तूप। अगला स्तूप है मध्य प्रदेश का भरहूत का स्तूप। देखो ये स्तूप जो है ना, ये नाम के लिए स्तूप है। इस स्तूप के रेलिक्स हमको अभी के टाइम पर, या इस स्तूप के जो अवशेष हैं वो अवशेष हमको आज के टाइम पर आपको मिलते हैं, थोड़े बहुत अवशेष मिलते हैं, और इस स्तूप को रिक्रिएट करके फिर से इसका निर्माण करके आपके जो विक्टोरिया म्यूजियम है कलकत्ता में, उस विक्टोरिया म्यूजियम में जाके उसको बनाया। तो इसका एक रेप्लिका बनाया गया, और उस रेप्लिको को जो वहां पे जो स्तूपा है या वहां पर जो भरूत स्तूप है उसका रेप्लिका बनाया गया। तो एक्चुअल में लोकेटेड था नागोद सत्ता में, है ना, और 1873 में इसको मेजर कनिंगम के द्वारा आपको सर्च किया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट स्तूप है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इतने ही स्तूप है भाई, और कितने स्तूप पढ़ोगे। तो ये तमाम स्तूपाज हुए मध्य प्रदेश के। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो स्लाइड है ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से इसको स्टडी कर सकें, इसको देख सकें। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ अनअकैडमी कई के कई सारे इंपॉर्टेंट ऑफर्स के बारे में, और अनअकैडमी का जो इंपॉर्टेंट ऑफर है उस ऑफर की है आज आखिरी तारीख। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं किया, परचेज किया है, तो अभी जाके आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको मिल रहा है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का एक्सटेंशन, मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदने पे आपको मिलेगा 1 साल का और सब्सक्रिप्शन, मतलब 1+1 वाला ऑफर है। इसके लिए आपको सिंपली यूज करना है मेरा कोड पवन लाइव, PAVANLIV, और इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 25% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज, और साथ में 1 साल का सब्सक्रिप्शन
आपको फ्री मिल जाएगा, मतलब 1+1 वाला ऑफर है। तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड आता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे 9,670 में आपको मिलेगा 2 साल का सब्सक्रिप्शन, तो यू विल गेट 2% सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 साल का प्राइस पे करके। तो ये बात हुई दोस्तों अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। साथ ही एमपी जिद करके एक इंपॉर्टेंट कोर्स लॉन्च हो चुका है, 30 डे का एक रिविजन बैच आपको लॉन्च हो चुका है, जहां पर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूरा अपना सिलेबस एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। 30 डे का यहाँ पर आपको बैच है, और ये बैच अगर आप अलग से लेने जाएंगे तो आपको स्टोर के ऊपर 99,999 रुपीज का या 9,999 रुपए का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी जाके आप इसको परचेज कीजिए, कोड यूज करना है पवन लाइव। एमपी जेल प्रहरी और वन रक्षक दोनों की क्लासेस आपको हैं, एमपी जीपी का कोर्स भी आपको है, और भी तमाम कोर्सेस हैं, और इन कोर्सेस के माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी बैचेस हैं, चाहे पुलिस का बैच हो, चाहे जेल प्रहरी का बैच हो, आने वाले आगे एग्जाम्स जो हैं उनका भी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो तमाम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और इसको अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी जाके उसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।